कहते हैं समय तो हबीबी रसूल अल्लाह मैंने अपने महबूब सरकारी दुआ को सुना कुन तो अना व अली नूरम बैन यदय्लाए ये कुन तो में इसमें कुन जो है वो तो है ज़मीर बारज है ये इसम वाक़ा हुई है बर्फू है और नूरन ये उसकी खबर है इसलिए मनसूब है बैन यदय्लाह अल्लाह के हुजूर में कबल अखलों का आदम अब अरबात अशरा अल्फ आमिन कबल इसके आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा करे 14,000 बरस पहले अल्लाह मुझे पैदा किया सही फलम्मा खलक अल्लाह आदम का समझ आल का नूर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया उस नूर को तकसीम कर लिया जुज एन दो हिस्से उसके कालिफ जुजन आना व जुजन अली सुभानअल्लाह तो ऐसी ही बात है ना जी बिल्कुल जबानी भी सीधे पड़ी देख के वही है मेरा जगह क्लेम ये था जनाब कि तुम सरकार को नूर मानते हो अली को नूर क्यों नहीं मानते हो तो एक बुजुर्ग है जिन्होंने कहा ये शिया की हदीस है आगे हम सरकार के नूर और इल्म गैब पर मुनाजरे कर करके थके तुम यार मुनाजरे का नाम तुमने नहीं सुना होगा तुम किस गलतफहमी में मुबतला क्यों हो हैं ये तो मुनाजरे वाले जाने मुनाजरे करने वाले जाने उनके दलाइल जाने उनका ये शिया की हदीस है थोड़ी देर के बाद एक बच्चे को खड़ा किया कि तुम नात पढ़ो वो खड़ा होकर पढ़ने लगा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का अगर बरेलवी का लाते हो तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का मज़हब तो तुम्हें पता होना चाहिए जिसके मज़हब के मुद्दई हो उसके मज़हब का तुम्हें पता ही नहीं है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का उसी बात वो इसकी तरदीद कर चुके हैं अली कैसे नूर है आला हज़रत सिर्फ अली को नूर नहीं कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर